नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सर्वे की तैयारी में जुटी है बीजेपी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सर्वे। सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति क्या है, किस एजेंसी से सर्वे कराने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दिए सर्वे के संकेत। राज्य में सभी सीट पर स्थिति अच्छी है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वर्तमान विधायक का आकलन को लेकर सर्वे। बीजेपी विधायक रहित सीटों की स्थिति का भी आकलन होगा। चुनाव में टिकटों का आधार यह सर्वे हो सकता है। तो चुनाव से पहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2022 के रण में उतरने से पहले थर्मामीटर लगाकर फिलहाल टेम्परेचर क्या है ये भांप लेना चाहती है सरकार। जहां पर बीजेपी के विधायक है वहां पर भी, और जहां पर बीजेपी के विधायक नहीं है वहां पर भी ये सर्वे कराया जाएगा। चुनाव में टिकटों का आधार यही सर्वे हो सकता है। किस नेता को लोग पसंद कर रहे हैं, किससे नाराजगी है, किन कारणों से नाराजगी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। और इसी सर्वे के द्वारा बीजेपी अपनी जमीन को चेक कर रही है कि वो कितनी मजबूत है। किस एजेंसी को सर्वे कराने की तैयारी है, लेकिन साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ये भी दावा कर रहे हैं कि स्थिति बीजेपी की मजबूत है, बेहतर है। राज्य में सभी सीटों पर स्थिति अच्छी है। वर्तमान विधायक का आकलन को लेकर सर्वे। बीजेपी विधायक रहित सीटों की स्थिति का भी आकलन होगा। किसी एजेंसी सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है। चुनाव में टिकटों का आधार भी यही सर्वे हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सर्वे। सर्वे की तैयारी में जुटी है बीजेपी। और फहीम तन्हा जुड़ गए हमारे साथ में, रेजिडेंट एडिटर फहीम। एक बार चुनावी थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर क्या है भाप लेना चाहती है बीजेपी चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए पूजा, और ये इसलिए भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है शायद, क्योंकि 57 का प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास इस बार 2017 के चुनाव में, और आने वाले चुनाव में बीजेपी उस बहुमत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। और संगठन के दावे भी हैं, सरकार के कामकाज के हिसाब से भी, लेकिन अब चूंकि क्या वो दावे सही हो पाएंगे इसको लेकर के बीजेपी संगठन अब इस कोशिश में है कि थर्मामीटर लगा करके देख लिया जाए कि आखिरकार राजनीतिक रूप से उनके विधायकों का, और जहां पर विधायक नहीं है कांग्रेस की सीटें हैं, 11 कांग्रेस के पास हैं और 2 निर्दलीय, इस तरीके से कुल मिलाकर के 70 सीटें होती हैं। तो बाकी सीटों पर जो हार गए थे प्रत्याशी उनकी क्या स्थिति है, और आने वाले दिनों में जो टिकट के और दावेदार होंगे तो उनके क्या हाल है, यानी पार्टी की स्थिति क्या है, ये तमाम सवाल संगठन के सामने खड़े हुए हैं। और वजह वही है कि जो स्थिति इस समय है वर्तमान सरकार में प्रचंड बहुमत की, वो कितनी बरकरार रह पाती है, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ऐसे में जब बहुत ज्यादा बहुमत होता है और आने वाले चुनाव को देखता है सत्ताधारी दल, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या उस स्थिति में खड़ा रह पाएंगे या फिर कहीं डाउन जाने की स्थिति तो नहीं बन रही है। तो ये तमाम सवाल लेकर के बीजेपी मंथन कर रही है और अब सर्वे कराने की तैयारी है, और इसमें एजेंसी को सर्वे की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि सही तस्वीर सामने आए। और मुझे लगता है कि जब सर्वे होगा तो सर्वे की रिपोर्ट आएगी, वो उसको दरकिनार नहीं किया जाएगा बल्कि उसको टिकट बंटवारे में एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पर भी बहुत कुछ निर्णय होंगे, तो लिहाजा बीजेपी इसको भी लेकर के काम कर रही है। जी चलिए फहीम, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति क्या है ये भांपने के लिए एक सर्वे कराया जा सकता है। 2022 के चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर भी आधार इसी सर्वे के आधार पर तैयार किया जा सकता है। चुनाव में टिकटों का आधार ये सर्वे हो सकता है। सर्वे की तैयारी में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है, और आमतौर पर देखिए चुनाव से पहले कई सर्वे रहते हैं बीजेपी के आंतरिक बाहरी संगठन स्तर पर, जिसके बाद टिकटों का बंटवारा होता है। स्थिति क्या है बीजेपी की वो पहले भाप लिया जाता है। तो किसी एजेंसी से सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सर्वे के संकेत दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना सर्वे कराएगी। राज्य में सभी सीटों पर स्थिति अच्छी है, प्रदेश अध्यक्ष दावा भी कर रहे हैं। दो बार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार आज बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले सभा मंडप से बाबा केदार के दर्शन किए और फिर स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। तीर्थ पुरोहित और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों के साथ पुलिस के जवानों ने पहलवान सुशील का जोरदार स्वागत किया। उनके साथ कई तस्वीरें खिंचवाने की होड़ भी लग गई। पहलवान सुशील कुमार केदारनाथ की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि धरती पर स्वर्ग इससे बेहतर और कहीं नहीं हो सकता।
आज जहां देश भर में कोरोना के चलते केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइंस के बीच दशहरा मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में इनहवील क्लब ब्लॉसम ने अपने हाथों से कोरोना रावण तैयार कर कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर उसका दहन भी किया। इस दौरान सभी ने प्रार्थना की कि जैसे कोरोना रूपी रावण आज जलाया गया, उसी तरीके से कोरोना महामारी का अंत भी जल्दी हो। कोरोना महामारी के चलते इस बार त्यौहार भी बहुत बदले बदले से हैं। हर साल की तरह इस साल बड़े स्तर पर ना दशहरे का वो मेला है और ना ही रावण दहन का वो कार्यक्रम जो आम तौर पर हमारी परंपरा का हिस्सा रहा। कोरोना महामारी की मार ने दशहरे के रावण को भी नहीं छोड़ा और इस बार रावण दहन कार्यक्रम भी देखने को नहीं मिल रहा। तो वहीं उत्तराखंड के डोईवाला में विशाल रूप से रावण दहन कार्यक्रम और मेले का आयोजन इस बार नहीं हुआ, लेकिन रावण दहन की परंपरा को नियमित बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर ही बच्चों ने सूक्ष्म रूप में रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया। दशहरे में रावण दहन की परंपरा निभाई गई, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। हमारे 12-15 बच्चे थे परिवार के, एक जो 40 साल से यहाँ पर परंपरा चली आ रही थी दशहरा मेला लगाने की, तो एक कोरोना काल ने इस पूरे आयोजन को ख़त्म कर दिया था, परंतु हमारी हिम्मत हमारे बच्चों द्वारा बढ़ाई गई कि इस परंपरा को हम नहीं टूटने देंगे, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही बैठकर रावण को बनाया और एक परंपरा जो वर्षों से चली आ रही थी उसको बराबर बनाए रखा। हमारे 12-15 बच्चे थे परिवार के, एक जो 40 साल से यहाँ पर परंपरा चली आ रही थी दशहरा मेला लगाने की, तो एक बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से मना करने वाले अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मेडिकल लेकर छुट्टी काट रहे अधिकारियों के मेडिकल की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में अधिकारी ड्यूटी देने से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन वहां जाने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में वो ड्यूटी लगने पर मेडिकल लेकर छुट्टी पर जा रहे हैं। उप जिलाधिकारी उखीमट वरुण अग्रवाल सितंबर में मेडिकल लेकर घर चले गए, तब से लेकर अब तक वो अपनी ड्यूटी पर आए ही नहीं और बार बार मेडिकल लेकर छुट्टियां ही काट रहे हैं। उखीमट के उप जिलाधिकारी के द्वारा सितंबर फर्स्ट वीक में निजी कारणों से 5 दिवस का अवकाश लिया गया था, जो उनको स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात विभिन्न अलग अलग तिथियों पर उनके 3 चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि डॉक्टर की सलाह पर उनको टाइफाइड होने की वजह से बेड रेस्ट के लिए रेकमेंड डॉक्टर ने किया है, इसकी उन्हें अनुमति दी जाए। उनके मेडिकल को मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के लिए सीएमओ को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। साथ ही यात्रा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के महत्व को देखते हुए शासन से एक पूर्णकालिक SDM की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया। उखीमठ के उप जिलाधिकारी के द्वारा सितंबर फर्स्ट वीक में निजी कारणों से 5 दिवस का डोईवाले के दूधली गांव में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अस्मित क्रिकेट एकेडमी खोली गई है, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री करण वोहरा ने किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया और राज्य मंत्री करण वोहरा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा खेल मैदान ना होने के कारण यहाँ के खिलाड़ी प्रतिभा होने के बावजूद भी नहीं खेल पा रहे थे, काफी दूर जाकर प्रशिक्षण उनको लेना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर अकेडमी खुल जाने से स्थानीय खिलाड़ियों को लाभ होगा। ये अकेडमी गाँव की प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगी। उन्होंने गाँव में अकेडमी खोलने पर आयोजकों को बधाई भी दी। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक देहरादून जनपद के दून घाटी में और एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया है अस्मित क्रिकेट एकेडमी ने, उसके लिए मैं अस्मित क्रिकेट एकेडमी और अपने आशा सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है ये बहुत सराहनीय कार्य है इनके द्वारा किया गया, और मैं
विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी ओर से और सरकार की ओर से किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, स्थानीय खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। इनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय खिलाड़ियों को विशेष रूप से वरीयता दी जाएगी जिससे कि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। सर, आपको धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया है मुझे। और मेरे इस ग्राउंड को बनाने का मोटो यही है कि हम लोग क्रिकेट से जुड़े रहे हैं बचपन से ही और हमने खेला है क्रिकेट और बहुत पसंद करता हूँ मैं इस गेम को। तो एक प्रेरणा अंदर से है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे कि आने वाले समय में एक हमारे जो क्षेत्र के जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र को एक ऐसी चीज़ मिल सके जहाँ से कुछ जो प्रतिभाएँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक ऐसा स्थान मिल सके जहाँ से वो आगे बढ़ सकें या अपना टैलेंट दिखा सकें। तो मेरा यही मोटो है इसको बनाने का कि इस क्षेत्र से मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा हो सके प्रतिभा को प्रमोट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको ऊपर लेवल तक पहुंचाना है, उनका भविष्य। उत्तराखंड के लालकुआ के बिंदुखता क्षेत्र के हाट काली का मंदिर में आज नवरात्र के आखिरी दिन के चलते मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिली है। पूरी विधि विधान से तस्वीर का समापन किया गया। नौ देवी रूपी कन्याओं का पूजन कर देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए यज्ञ में आहुति देने के साथ दसवीं का समापन भी हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग 11 नवंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण का अंतिम चरण 28 अक्टूबर से मंडल स्तर पर शुरू होगा। 11 नवंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग 11 विषय में शामिल किए गए हैं। पार्टी प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि हमारी एक कार्य पद्धति है, पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को समझना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की सूक्ष्म जानकारी भी प्राप्त होंगी। योजनाओं की पूरी जानकारी होने से कार्यकर्ता विपक्ष का मुकाबला भी करेगा। जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो एक पद्धति से चलता है, हमारी एक कार्य पद्धति है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आइडेंटिफाई हैं कि कौन कार्यकर्ता है। सभी पदों पर नहीं होंगे लेकिन फिर भी हमारा कार्यकर्ता आइडेंटिफाई है और हम कैडर बेस पार्टी है, इसलिए जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है वो हमारी पार्टी को ठीक ढंग से समझे, अपनी सरकार की योजनाएँ समझे, हमारा अतीत और भविष्य को जाने क्या क्या हो सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगभग 11 विषय हैं जो पूरे उत्तराखंड में 28 तारीख से 11 तारीख के बीच में विहत। उत्तराखंड के पौड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाबू पठानी नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि बाइक सवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि संतुलन खो जाने के कारण गहरी खाई में बाइक जा गिरी। बाइक पर सवार दो लोगों में से एक युवक सड़क पर ही गिर गया तो वहीं दूसरा गहरी खाई में जा गिरा जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर लाया गया। फिलहाल घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही युवक शादी में शामिल होकर अपने घर भी लौट रहे थे। पैठन क्षेत्र से थोड़ा सा पहले जो है पैठन बाजार से पेट्रोल पंप पर उसके बीच का ये बाइक एक्सीडेंट है। ये स्थिति इसकी तो काफ़ी गंभीर है और अभी इसको रेफर किया गया यहाँ से पैठनी क्षेत्र है। पैठनी क्षेत्र से थोड़ा सा पहले जो है पैठन बाजार से पेट्रोल पंप पर उसके बीच का ये बाइक एक्सीडेंट है। ये स्थिति इसकी तो काफ़ी गंभीर है और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी के पर्व पर भी कोरोना महामारी का असर देखने को मिला। हर साल की तरह इस बार भी ना तो विशाल रूप से रावण दहन का कार्यक्रम हुआ ना रामलीला का आयोजन। वहीं कोटद्वार के ग्रासगंज में रामलीला मैदान में सूक्ष्म रूप से विजयदशमी का पर्व मनाया गया। कोविड-19 नियमों के मुताबिक रामलीला कमेटी ने दशहरा मनाया। उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्कूलों के लिए एमओपी जारी की है। 10वीं और 10वीं के अलावा 12वीं की कक्षा की जो अभी स्कूल हैं वही सिर्फ संचालित होंगे। अधिक से अधिक 50% छात्र कक्षा में बैठ पाएंगे। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक है उन स्कूलों में दो पारियों में संचालन होगा। एक छात्र के दूसरे छात्र से 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा। स्कूल खुलने से पहले स्कूल बंद होने के समय तक सैनिटाइज का काम पूरा होगा। स्कूल में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था,
होगी। किसी छात्र शिक्षक के स्टाफ पर कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसकी जांच होगी। जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।